दूरदर्शन न्यूज। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू। ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण 7 दिन तक चलेगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हीरालाल माली ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की उपयोगिता, महत्ता एवं वर्तमान समय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। माली ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल छात्राओं व शिक्षिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, अपितु विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में भी सक्षम बनाता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शिक्षिकाओं तथा बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। राजस्थान से रंजीत जिनेगर की रिपोर्ट। शिक्षण देगा और आप मोबाइल पर अंगुलियां घुमा रहे, ये भी ठीक नहीं है। हम इतने देश में जितना नरेंद्र मोदी या अशोक गहलोत या राज्यपाल और कलेक्टर ये व्यवस्थित है, इनके पास खूब सारा काम, हमसे ज्यादा होगा। हमारे पास इतना कोई काम नहीं है। इस समय घर वालों को भी पता है, सिस्टम को भी पता है और समाज को भी पता है कि भाई ये टीचर्स इस समय स्कूल के कार्य में है, इसलिए उनको भी ध्यान है। इसलिए आप उस फोन को थोड़ा सा मतलब 4-6 घंटे के समय में फोन को बंद ही रखना, नहीं तो क्या होगा कि आपका ध्यान उधर रहेगा और फिर ये जो सिखा रहे हैं आप भी सीख रहे हैं उसका कोई काम नहीं। तो मैं पुनः आपको ये कह रहा हूँ, समय पर आइएगा और समय पर जाइएगा, भले आप दूर रहे या कहीं पर भी है। इलेक्शन होते हैं लेकिन इलेक्शन में 8 बजे बुलाते हैं, कलेक्टर कहता है कि 8 बजे आपको नवीन भवन के इस कैंपस में पोलिंग बूथ के साथ जाना है। संपूर वाला व्यक्ति मतलब 2 बजे चल कर 8 बजे नहीं आता, 6 बजे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टर के आदेश होते हैं और हमारे आदेश को आप